हेलो नमस्कार मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड एग्जाम पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के हम लोग रेगुलर 8 बजे यहाँ पे क्लास लगती है और आपके पीवाईक्यू से यहाँ पे 15 सेट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन सही तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें एक बिजनेसमैन है, उसमें जो सेल करता है किसी एक पेन को 24 रुपीज़ में सेल करता है, तो गेन उसे जो गेन ऑप्टेन होता है वो इतने परसेंट ऑप्टेन होता है जितना उस पेन का कॉस्ट है। कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पे सीपी से है। ठीक है, उस पेन की हमें सीपी भी कैलकुलेट करना है, यानी उस पेन की जितना सीपी है उतना ही परसेंट उसे गेन होता है। ठीक है, ऐसा आपको मालूम है। ठीक है, और जो चीज़ हमें लोगों को मालूम है उसे हम लोग पहले गिबन में नोट करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ गिबन है। तो सबसे पहले आपको क्या गिबन है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले आपको एक वन पेन का यहाँ पे एसपी गिबन है। ठीक है, वन पेन का एसपी गिबन है, तो हम लोग वन पेन का एसपी राइट कर लेंगे कि वन पेन का जो एसपी है वो आपका एक्स रुपीज़ है। ठीक है, फिर आपसे ये कहा गया कि आपको सीपी कैलकुलेट करना है, वो एक्स रुपीज़ ने यहाँ पे गिवन है आपको 24 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे सीपी आपको फाइंड आउट करना है। सीपी आपको एक्स अज्यूम कर लेना होगा कि आपका जो सीपी है वो आपका कितने रुपीज़ है, एक्स रुपीज़ है। और आपसे कहा गया है कि इसमें जो गेन हो रहा है वो जितना आपका पेन का सीपी है उतना ही उसमें गेन हो रहा है। तो गेन की अगर आपको गेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि कितने परसेंट आपको गेन हो रहा है, तो गेन का मतलब ये हुआ कि गेन हमेशा सीपी पे ही निकलता है। आपको मालूम ही है कि एक्स, अगर एक्स परसेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो गेन होता है, गेन इज इक्वल टू कब, गेन का एक फार्मूला आपने रीड किया होगा कि गेन आपको तभी ऑप्टेन होता है जब एसपी की वैल्यू ग्रेटर हो और सीपी की वैल्यू लेस हो। ठीक है, एसपी आपको मालूम है कि एसपी कितना है, 24 है, और सीपी हम लोगों ने एक्स अज्यूम किया और गेन आपको कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि आपके एक्स की वैल्यू कितनी ऑप्टेन होगी गाइज। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 और माइनस का 100x। ठीक है, और इसको इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू आपका 24 होगा, 2400। इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली सॉल्व करके देखेंगे कि सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो तो आपको मालूम ही है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माइनस का 2400 इज इक्वल टू 0। अब 24 को ऐसे टू पार्ट में ब्रेक करना है कि आपको माइनस करके 100 आ जाए, तो कितना आएगा आपको फैक्टर में करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस आपका बनेगा जाके 120x माइनस 20x। जब 120 की 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब आपका 2400 बनेगा जाके, और 120 में से अगर हम लोग 20 माइनस कर दें तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग 24 राइट करेंगे और इसके जो फैक्टर यहाँ से फाइंड आउट होंगे गाइज, वो फैक्टर आपके जो फाइंड आउट होके आएंगे वो x प्लस 120। ठीक है, 120 और आपका एक फैक्टर आपका यहाँ से फाइंड आउट होके आएगा एक्स माइनस 20 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी वो टू वैल्यूज आपकी फाइंड आउट होंगी, एक तो एक्स की वैल्यू माइनस का 120 फाइंड आउट होगी, एक आपकी 20 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीपी हम लोगों ने एक्स अज्यूम किया था, उस सीपी की जो दो वैल्यूज आपकी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हमारे जो फर्स्ट वैल्यू आपकी जो पॉजिटिव है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर जो सही आंसर आपका जो होगा वो आपका 20 रुपीज़ होगा गाइज। तो इसलिए हम लोगों को सीपी कैलकुलेट करना था कि सीपी आपका कितना आएगा, 20 रुपीज़ आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका आपके सामने है। यहाँ पे यू आपको गिवन है और ए एक कोई सेट गिवन है और बी भी आपको एक कोई सेट गिवन है, उसका इंटरसेक्शन हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इंटरसेक्शन कितना आएगा गाइज। इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर टू सेट आपको गिवन है, इन टू सेट का हम लोगों को इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि दोनों सेट में आपके जो कॉमन एलिमेंट हैं उनका सेल यहाँ पे सेट बनाएंगे हम लोग। सेट आपका 6 आ रहा है तो 6 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है गाइज, तो यू में से हम लोग क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन वी को माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में आपका एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये जो सेट आपका बन के आ रहा है, ये सेट आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें रेसिप्रोकल बताना है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल कितना होगा गाइज। तो इसका रेसिप्रोकल बताने के लिए आपको मालूम है कि पहले हम लोगों को एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो वन अपॉन एक्स यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो एलसीएम आएगा वो आपका एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल देखिए, रेसिप्रोकल आएगा आपका कैलकुलेट होके कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो गाइज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड का जो सही करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा गाइज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रेडियस और हाइट यानी कोई एक सर्कुलर कोन है, और सर्कुलर कोन की जो रेडियस और हाइट है उसमें एक रेशियो आपको गिवन है, रेशियो गिवन है, तो वो रेशियो आपका 5:12 है गाइज। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेंट हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, और वॉल्यूम आपको गिवन है कि 314 m³ गिवन है, ठीक है। ये वॉल्यूम आपको गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है तो हम लोग यहाँ पे रेडियस अज्यूम कर लेंगे कि रेडियस आपकी 5x है गाइज, और हाइट जो है वो आपकी 12x गिवन है, ठीक है। और आपको क्या करना है, वॉल्यूम कोन का आपको मालूम है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इजिकल टू 314 ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे 3.14 और इंटू 5x इंटू 5x, ठीक है, और इंटू 12x और इजिकल टू 3/14 आपका कैंसिल हो जाएगा गाइज, और ये आपका 5 आपका कितना हुआ 25, 3 से पहले डिवाइड करेंगे 3 4 आपका कितना हुआ 12 हुआ, 5 5 25 25 4 कितना हुआ 100 हुआ गाइज। तो ये 5 5 25 25 4 100 एक्स अपॉन 100 और इजिकल टू 1, ये एक्स की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है गाइज वो आपकी एक्स आ रही है, ठीक है, एक्स आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ से आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 m हो जाएगी, और एच की जो वैल्यू आपकी बनेगी वो आपकी 12 m होगी, ठीक है, 12 m होगी। फिर इसके बाद हम लोगों को सिलेंट हाइट कैलकुलेट करनी है गाइज। सिलेंट हाइट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो तो आपको मालूम है कि एल इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है कि 12 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 5, ठीक है। 12 का स्क्वायर का मीनिंग 144 हुआ, 5 5 25, इसको ऐड करेंगे ये 169 आ जाएगा गाइज, ठीक है। 169 जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 m इसका आंसर होगा, यानी सिलेंट हाइट आपकी फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ होगा गाइज। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने हैं, आशा करता हूँ कि आपको सही स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक फिफ्थ क्वेश्चन से अल्फ़ाबीट है, इसके रूट अज्यूम कर लिए, और इक्वेशंस आपको गिवन है कि इक्वेशंस आपके पास है 3x² - 6x + 4 = 0। आपको क्या करना है कि इसके अगर ये 2 रूट हैं तो इन 2 रूट का जो सम होगा गाइज वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का यानी प्लस माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये माइनस का 6 यानी प्लस का 6 हो जाएगा गाइज, और 3 2 कितना हुआ आपका, 3 2 आपका 6 हुआ, यानी 2 आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे गाइज। अल्फ़ा इंटू बीटा का मीनिंग होता है सी अपॉन ए, सी आपका 4 है गाइज, और यहाँ पे 3 है, 3 आपका क्या आ जाएगा, आपका जो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आएगी गाइज वो आपकी 4/3 होगी, ठीक है, 4/3 होगी। आपको क्या करना है कि आपको एक एक्सप्रेशंस के बिन है, उस एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उस एक्सप्रेशंस की वैल्यू कितनी होगी गाइज। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू लिखा हुआ होगा वॉल्यूम नहीं, ठीक है, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी।
तो यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा आपका एलसीएम होगा, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐड करेंगे, और प्लस यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि ऊपर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा गाइज, ठीक है। ये चीज़ आपकी बन जाएगी, फिर इसके बाद थ्री अल्फ़ा इंटू बीटा राइट करेंगे, और इसमें आप क्या करोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर राइट करोगे माइनस का टू अल्फ़ा, माइनस का टू अल्फ़ा बीटा राइट करेंगे, तो नीचे आपका अल्फ़ा बीटा और प्लस टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस थ्री अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो टू है, टू टू जब फोर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बनेगा फोर टू जब एट बाई थ्री, और अपॉन अपॉन में आपका फोर बाई थ्री, ठीक है, और प्लस टू इंटू आपका टू अपॉन फोर बाई थ्री, और प्लस आपका थ्री इंटू फोर बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, टू टू जब फोर होता है, टू टू जब फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, और इधर साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे, ए फोर थ्री जब ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व में से एट माइनस करेंगे, एट माइनस करेंगे और फोर बाई थ्री आपका राइट होगा, और इधर साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे थ्री आपका राइट होगा और यहाँ पे फोर होगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ट्वेल्व में से एट माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका फोर आएगा, फोर बाई थ्री अगर आप राइट करोगे, इसको ऊपर पहुँचाओगे थ्री बाई फोर हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा एक दूसरे से, तो थ्री प्लस फोर और फोर प्लस थ्री सेवन हुआ, सेवन और प्लस वन एट होगा, तो यहाँ पे एट आपका आंसर आएगा, यानी सही करेक्ट आंसर आपका फिफ्थ का सेकेंड होगा गाइज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, आपके सामने हैं, यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सिक्स क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि आपको एक स्टैटिक्स से रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन है, ठीक है, आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है के कैप, ठीक है, आपको के कैप और ये जे कैप डॉट के कैप इंटू आई कैप प्लस आई के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको मालूम है कि एक हम लोग यहाँ पे इस टाइप से आई कैप जे कैप, ठीक है, जे कैप और के कैप, तो इस टाइप से एक साइक्लिक हम लोग बना लेंगे, और यहाँ पे आई कैप के बाद आपका क्या आएगा, जे कैप आएगा। अगर जैसे आई जे इंटू के कैप लिखा हुआ है, जे और इंटू के सिक्वेंस है, तो अगले वाला जो स्टेप आएगा वो आपका क्या राइट होगा, वो आपका आई कैप राइट होगा गाइज, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जे कैप है, जे के बाद आई कैप आएगा, आई कैप के बाद आपका क्या आएगा, अगर आई कैप के बाद जो आता है वो आपको मालूम है कि जे कैप आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद के कैप डॉट यहाँ पे के कैप राइट किया जाएगा, आपको मालूम है कि सेम अगर डायरेक्शन यहाँ पे वेक्टर होते हैं और उन डायरेक्शन वेक्टर की अगर सेम से मल्टीप्लाई हो रही है ये, ठीक है, सेम से मल्टीप्लाई हो रही है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, तो इनकी वन मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट जो होती है वो वन राइट की जाती है, तो वन प्लस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा गाइज। तो इसमें जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका सिक्स का फर्स्ट होगा गाइज, ठीक है, सिक्स का फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे गाइज, उसमें आपको समझना है कि इसमें जैसे लिखा हुआ है कि x प्लस वाई, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, जब सेपरेट नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि x प्लस वाई जो है वो आपका क्या है, v है, ठीक है, क्या अज्यूम करोगे, b अज्यूम करोगे, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे गाइज तो आपका वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, और इधर साइड हम लोग डी बी ओवर डी एक्स राइट करेंगे, और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी डी बी ओवर डी एक्स माइनस बी माइनस का ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यानी कि डी बी ओवर डी एक्स और माइनस का वन राइट किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो डी बी ओवर डी एक्स माइनस वन और इज इक्वल टू सेक बी राइट कर लिया जाएगा गाइज, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ इधर साइड जब लेकर आएंगे तो इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, सेपरेट करोगे तो डी बी ओवर डी एक्स
और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या राइट करोगे, वन अपॉन कॉस बी राइट करोगे, इसको प्लस का वन एलसीएम लोगे तो वन प्लस कॉस बी अपॉन कॉस बी, ठीक है, ये आपका राइट होके आएगा गाइज। जब ये राइट होके आएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको सही से अरेंज करेंगे तो कॉस बी यहाँ पे आ जाएगा डी बी अपॉन वन प्लस कॉस बी, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका जो डी एक्स है वो उधर साइड ले जाएंगे तो ये डी एक्स आपका उधर साइड पहुँच जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करोगे तो वो फार्मूला आपका किस टाइप से यूज होगा उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा। जैसे हम लोगों क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, साथ में कॉस बी का फार्मूला यूज किया तो टू कॉस स्क्वायर बी अपॉन टू माइनस वन राइट करा, ठीक है, अपॉन में जब इसको वन को रिमूव करने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, यही फार्मूला यूज करेंगे टू कॉस स्क्वायर बी अपॉन टू, माइनस वन होगा, माइनस वन से प्लस वन आपका कैंसिल हो गया होगा और यहाँ पे डी बी राइट करोगे और फिर डी एक्स, ठीक है, और फिर इसके अपॉन में राइट करोगे तो ये तो आपका हो जाएगा वन डी बी, ठीक है, और माइनस का इधर साइड राइट करोगे तो ये आपका बनेगा वन अपॉन टू, तो आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा और फिर इसके बाद ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर बी अपॉन टू, ठीक है, बी अपॉन टू डी बी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, ये आपका राइट कर लिया जाएगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आपका पी बनेगा और इसका जब इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो आपको मालूम है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो तो आपको मालूम ही है कि टेन ठीक है, टेन बी अपॉन टू बनेगा जाकर, ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपकी फंक्शन बन जाएगा लॉट के, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे इक्वल टू राइट करेंगे और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा और प्लस का सी राइट कर लिया जाएगा। आपको मालूम है कि बी हम लोगों ने किसको अज्यूम किया था, एक्स प्लस बाई को अज्यूम किया था, तो एक्स प्लस बाई को हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे कि बी की जगह पे एक्स प्लस बाई राइट करोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस बाई आ जाएगा, एक्स प्लस बाई माइनस टेन बी की जगह पे एक्स प्लस बाई अपॉन टू, ठीक है, ये चीज़ राइट की और इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस एक्स को एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर बनेगा जाके गाइस वो बनेगा जाके बी इज इक्वल टू टेन, ठीक है, बी इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस बाई अपॉन टू, ठीक है, और ये टेन को इधर ही रखा तो ये आपका माइनस का रहेगा, सॉरी माइनस का रहेगा, तो इज इक्वल टू सी आपका राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस में आपका आंसर आ रहा है वो आपका कौन सा सही होगा, बाई माइनस टेन एक्स प्लस बाई बाई टू इज इक्वल टू सी, तो यानी आपका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड होगा, यानी सेवेंथ का सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। कैसा होगा, करेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका वेक्टर से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आपको क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको गिवन है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड गिवन है तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है कि इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जब हम लोग फोर ऑप्शंस आपके सामने गिवन है कि इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। लेकिन देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको मालूम है, एक इक्वेशन आपको मालूम थी कि अगर इसे ए वेक्टर और थ्री वेक्टर होते थे, उन थ्री वेक्टर का अगर हम लोग पहले सम कर लेते हैं टू वेक्टर का, फिर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर या फिर ऐसा कर लो कि लास्ट के टू वेक्टर फिर हमने डॉट प्रोडक्ट प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू जीरो वेक्टर हुआ करती थी, ये आपको याद होगा, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हर एक वेक्टर आपने इस टाइप से भी रीड किया होगा, या फिर ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपका ए वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर यहाँ पर भी मिलेगा। आप डॉट वेक्टर को यानी डॉट प्रोडक्ट वाले वेक्टर को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो टू ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसे बी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर यहाँ से भी मिलेगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो ये भी यहाँ पे मिलेगा। इसी टाइप से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी मिलेगा इज इक्वल टू जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू आपकी कितनी होगी, जीरो होगी गाइस, ठीक है। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो आपको मालूम है एक प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी, आपको क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो आपको यहीं से समझ जाना था कि ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है गाइस। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि इसमें जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो फार्मूला क्या होगा,
वो फार्मूला इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है, और प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आप ब्रैकेट में राइट करोगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस टाइप। ये ओपन कर लेने के बाद फिर आपको मालूम है कि ये तो इसकी वैल्यू तो जीरो होती है तो ये जीरो हो जाएगा। अभी हम लोगों ने प्रूव करा और इसकी 3, 4, 5 ये मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ठीक है, इसका 3 है 3 का होल स्क्वायर, इसका 4 है 4 का होल स्क्वायर, इसका 5 है तो 5 का होल स्क्वायर, इधर 0 हो गया। 3 जो 9 प्लस 4 फोर जो 16 प्लस 5 25, इसको ऐड करोगे तो ये आपका ऐड होके कितना आएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका स्क्वायर होगा, उधर जाके स्क्वायर रूट यूज हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ रही है वो रूट 52 आ रही है। इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 × 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5√2 आपका आंसर होगा। तो इसका जो 8th क्वेश्चन है इसका जो सही आपका आंसर है वो 5√2 है। गाइस कितना है 5√2 है, तो इट मींस 8 का जो आंसर आपका सही आंसर है आपका वो फर्स्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है। 9th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हम लोगों को मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है कि रैंक कितनी होगी। गाइस रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि इसमें आपको एक 3/4 की यानी 3/4, ठीक है, इसकी मैट्रिक्स गिवन है। तो इतना तो मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा जो मिनिमम होता है इनमें उसके इक्वल या उससे लेस देन होती है, यानी 4 वाला ऑप्शन जो बिल्कुल कट हो जाएगा, यानी आपकी रैंक जो होगी वो 3, 2, 1 पे डिपेंड कर रही है कि किस पे होगी, ठीक है। बाकी एक ऑप्शन तो 4th तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये तो मालूम हो गया कि इसकी रैंक आपकी 4th तो हो नहीं सकती। तो हम लोग आगे क्या करेंगे गाइस, आगे आपको क्या करना है, आपको एक जो C1 आपका जो कॉलम है उसको हम लोग यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे C1 के लिए। C1 के लिए आपका जो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका C1 है, C1 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो आपका आपकी मैट्रिक्स जो फॉर्म होगी 0-1, इससे क्या होगा कि आपके जितने ज़्यादा जीरोज बन जाएंगे, ठीक है, बना सको उतने ज़्यादा जीरोज रोज कर लीजिए या कॉलम कर लीजिए, तब आपका यहाँ से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। एकलिन मेथड बोलते हैं उसको, एकलिन फॉर्म, ठीक है, ये आपकी फॉर्म यहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो ऑपरेशन आप यूज करोगे R3 को चेंज करना है, आपको R3 को चेंज करना है, R3 में R1 ऐड करके, R3 में R1 ऐड करोगे तो मुझे लगता है कि R1 और R2 आपका एज इट इज रहेगा, तो 0 3 2 2, ठीक है। जब इसमें ऐड करोगे 0, यहाँ पे ऐड करोगे 0 और यहाँ पे 6 में से 4 अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 10, ठीक है। तो थर्ड वाली जो रो है उसको आपने 3 जगह 10 0 बना लिया, लेकिन एक जगह 0 नहीं बना, तो इट मीन्स इसका एक थर्ड वाली रो में आपका एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं हो पाया। अगर और भी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत की तो आपको ये कभी भी रो आपकी 0 नहीं बन पाएगी, इससे ज़्यादा 0 नहीं ला सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रैंक आपकी कैलकुलेट होगी, यानी इसको ए अज्यूम किया तो इस वाली मैट्रिक्स की ए की आपकी जो रैंक होगी वो 3 होगी। कितनी होगी गाइस, 3 होगी। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका कितना होगा, 3rd होगा। 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो यहाँ पे 9th का 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एकलिन जो फॉर्म होती है उससे हम लोग रैंक कैलकुलेट करते हैं। उस एकलिन फॉर्म इसलिए ज़्यादा सुटेबल होती है क्योंकि उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि जितनी ज़्यादा रो में या जितनी ज़्यादा आप कॉलम में जीरोज फॉर्म कर लो, जितने ज़्यादा जीरो फॉर्म कर लोगे उतनी ही आपकी एलिमिनेट होती जाती हैं रो या फिर कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपके सामने है। यहाँ से कहा गया है कि 36 गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, टुगेदर आर एम्प्लॉयड, जो एक दूसरे एम्प्लॉयड हैं, किसी वर्क को अगर फिनिश करते हैं तो आपको ये बताना है कि इसमें
कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितने होंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक्स, अगर आपने नंबर अजूम कर लिया कि आपके एक्स बॉयज़ हैं और एक्स आपकी बाई गर्ल है, ठीक है, उन दोनों का जो सम है वो आपको आपको गिवन है कि 36 है, ठीक है, कितना है 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर 36 है, ये आपको बता दिया गया, ठीक है, 36 है, आपको क्या करना है, 36 है ऐसा आपको बोला गया है, ठीक है, 36 गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ठीक है, उनका नंबर इक्वेशन आपकी फर्स्ट ये बन जाएगी, फर्स्ट ए उनका नंबर आपको बता दिया, ठीक है। आपको फिर बाद में क्या करना है कि टोटल जो पेड है वो 160 रुपीज़ का हो रहा है। अगर मान लो कि एक ये एक को 5 रुपीज़ दिया जा रहा है, आपका ईच पेड आपको मालूम है कि गर्ल के लिए 5 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, बॉयज़ के लिए आपको ईच के लिए ईच बॉयज़ के लिए 4 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। अगर बॉयज़ की नंबर आपने एक्स जूम किया, बॉयज़ का नंबर कितना जूम किया, एक्स जूम किया, तो 4x हो जाएगा, और प्लस बाई जूम किया गर्ल्स का नंबर तो 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू आप 160, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बी अजूम कर ली। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या 5 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ए को हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करा लिया। 5 से मल्टीप्लाई कराने पे आप माइनस करोगे किसको, बी को, ठीक है। तो यहाँ पे 5x प्लस 5y और 5 का 23, 5 15 18, तो 4x प्लस 5y और इज इक्वल टू 166, ये माइनस करोगे तो ये कट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 14 आ गई। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 14, एक्स किसको अजूम किया था, बॉयज़ को अजूम किया, और ये आपकी गर्ल है, तो बॉयज़ का जो नंबर है वो 14 है, और गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएंगी, 36 में से माइनस कर दीजिए, 36 में से 14 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी गर्ल्स का जो नंबर है वो आपका कितना आ गया, गर्ल्स का नंबर आपका कितना आ गया गाइज, वो आपका 22 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा, पहले आपसे गर्ल्स का नंबर रखा गया, तो गर्ल्स का आपका सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक भी करते रहिएगा और हमसे हमेशा जुड़े भी रहिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।